आम इंतखाबात की तैयारियां, नून लीग ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। पार्टी का नवाज शरीफ दौरे बलोचिस्तान के लिए कोयटा रवाना। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, इसहाक डार और दीगर हमरा। 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सियासी खिलाड़ियों बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का भी इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। खसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुनैन केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकला और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश। आज सरकारी गवाहान के बयान कलम बंद होंगे और वकील सफाई जरा करेंगे। £190 मिलियन स्कैंडल केस। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में करने के लिए नैब ने वजारत कानून को खत लिख दिया। जराए के मुताबिक नैब ने खत में लिखा, मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल पर अदालती कार्रवाई अडियाला जेल में करना मुनासिब होगा। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुलजिम को अदालत पेश करना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज आयद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। बगैर किसी एफआईआर के जमानत की दरख्वास्त कैसे काबिले समाअत है? बगैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है? बुशरा बीबी ने मुकदमा की तफसीलात फराहमी, गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर की थी। IMF का जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF आज अपने मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वक्त को आगाह करेगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल तक शेड्यूल हैं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम को एक और बिजली का झटका देने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1.70 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेफ्रा जुलाई का सितंबर की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। नेफ्रा दरख्वास्त पर समाअत के बाद कीमत में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगा। यकसां टैरिफ के लिए सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर भी होगा। लाहौर में फजाई आलूदगी में फिर खतरनाक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 तक पहुंच गया। कराची 169 AQI के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। स्मोग और बढ़ती फजाई आलूदगी से शहरियों को मुश्किलात का सामना, सांस लेने में दुश्वारी। और FIA इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दहशतगर्द गिरफ्तार। जराए के मुताबिक FIA ने दहशतगर्द को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान हिरासत में लिया। मुलजिम KP के हुकूमत को मतलूब था और उस पर 50 लाख का इनाम था। FIA ने दहशतगर्द को KP के हुकूमत के हवाले कर दिया।